आज हम जानेंगे कि कार फुल पेमेंट पर कैसे लें। कार फुल कैश पर लेने से पहले अपना बजट देखते हैं कि आपके पास कितनी सेव मनी है। और जाहिर सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की। अगर सैलरी बेस है तो वो तो लोन निकलवा कर गाड़ी आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि वे अपने हर महीने का मैनेज कर लेते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ कोई कोई फुल कैश पर गाड़ी लेना चाहता है, महीनों के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, तो उनके लिए तरीका क्या है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। चलिए जानते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। जाहिर सी बात है, कार खरीदने से पहले सबसे पहले अपना एक डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी ले, बजट में कौन सी आती है और कौन सी किस वजह से ले। ये तो आप पर डिपेंड है कि आपको क्या पसंद आता है। कार कोई सी भी बुरी नहीं होती, सब परफेक्ट होती हैं, बट कोई माइलेज देखता है, कोई मेंटेनेंस। लेकिन जिनका कम यूज होता है उनकी सोच अलग होती है कि वे जाहिर सी बात है चलनी कम है तो मेंटेनेंस या माइलेज पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि लंबे टाइम पर मेंटेनेंस आएगा और कभी कभी जाना है तो माइलेज क्या देखना। ये तो अपनी थिंक है और चलना भी अपनी थिंक से ही चाहिए। तो चलिए, आपने सपोज डिसाइड किया कि मैं टाटा की नेक्सोन लूंगा पेट्रोल में। आपने इसमें कई सारे वेरिएंट देखे, लेकिन आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपके बजट में कौन सा वेरिएंट आता है। फिर आप जाते हैं अपने नजदीकी गाड़ी शोरूम पर। वहां जाकर फुल जानकारी के बाद आपने डिसीजन बना लिया कि मैं इसका बेस मॉडल नहीं लूंगा, उससे ऊपर वाला वेरिएंट लूंगा। सपोज उसका नाम वेरिएंट का XE से ऊपर वाला XM है, ये लूं तो सेलर आपको सब समझा देगा। फिर वो आपको कोटेशन बना के देगा, जो कि कोटेशन होगी उसमें आपको एक्स शोरूम प्राइस, RTO और इंश्योरेंस होगा और एडिशनल चीज़ें भी होंगी। मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप XM वेरिएंट लोगे तो 8,90,000 की तो एक्स शोरूम कीमत होगी, और RTO को उस पर 6,767,123 रुपये का RTO और इंश्योरेंस होगा 38,372 रुपये का। और इसमें आपको वो एडिशनल चीज़ें भी देगा, वो आपका डिसीजन है आप एडिशनल चीज़ें लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। एडिशनल चीज़ों के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने बताया आपको तीन चीज़ें मेन है जो कि टोटल प्राइस में बैठेगी, जिसको ऑन रोड कहते हैं, कीमत 9,95,000 की, इतने की लगभग ये गाड़ी बैठ जाएगी। और अब बात करते हैं आप फुल पेमेंट पर गाड़ी कैसे लें। एक तो आसान सा तरीका होता है कि आप फुल पेमेंट कर दें अकाउंट से, बट उसमें आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, पूछताछ होती है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी शोरूम वालों को देनी पड़ती है कि ये गाड़ी फुल पेमेंट पर ली गई है। तो उस पर इतनी मोटी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछताछ हो जाती है। इस झंझट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आसान तरीका है। जैसे सब शादियों में देते हैं फुल पेमेंट से, वो कैसे देते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आप शोरूम पर कैश मालूम करें कि कैश कितना लोगे। जाहिर सी बात है मेरे अंदाजे से वे 2,00,000 से ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन 2,00,000 रुपए ले लेंगे। 2,00,000 रुपए आपने कैश दे दिए, तो सपोज आपकी गाड़ी 10,00,000 की है, उसमें 2,00,000 जमा हो गए, 8,00,000 बचे। अब ये पेमेंट जो बची 8,00,000, उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल पेमेंट 8,00,000 नहीं करनी। आपको अपने रिश्तेदारों या किसी खास से कहकर 2,00,000 रुपए किसी और के अकाउंट से, 3,00,000 रुपए किसी और के अकाउंट से और 5,00,000 रुपए आप खुद के अकाउंट से कर दीजिए, तो आपकी 8,00,000 की पेमेंट फुल हो गई। चाहे 5,00,000 को आप दो जगह डिवाइड कर दीजिए 2,50,000 में और अदर अकाउंट से, तो आपकी फुल पेमेंट हो जाएगी। तो यह है आसान सा तरीका, फुल पेमेंट खुद नहीं करनी, दूसरों में बांट कर करनी है, जिससे अदर अकाउंट से पैसा जाए। तो यह है तरीका। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा और आपको क्या चीज़ जाननी है, हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।